नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने फैसिलिटी चैनल डी मृत्युंजय सर में। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास का मैथ का एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में फ्रेंड्स हम लोग NCERT का 12.1 एक्सरसाइज को हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग NCERT का 12.2 का परिचय के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसमें कौन से फार्मूला का उपयोग होगा और को फार्मूला को किस प्रकार से उपयोग करेंगे इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला जो आपका उपयोग होने वाला है, चाप की लंबाई। चाप की भी लंबाई में भी दो तरह का आता है, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे लघु चाप और दीर्घ चाप। तो चाप की लंबाई यहाँ लिखा, चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई भी दो तरह का क्वेश्चन, एक आता है लघु चाप और एक आता है दीर्घ चाप, ठीक है। अब इसको फ्रेंड्स इसको समझेंगे फिगर के माध्यम से। तो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसका सेंटर लिया ओ, ठीक है, इसका सेंटर ले लिया ओ। और यहाँ देख रहे हैं कि ओ से लेके एक परिधि पर घींचा ए तक पहुँचा, या परिधि का एक बिंदु ए तक घींचा ओ से, इसको ओ ए क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और ओ से फिर एक दूसरे साइड में घींचा यहाँ बी बिंदु तक, यानी कि ओ ए और ओ बी क्या हो गया, वृत्त के त्रिज्या हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स प्रकाल का देखते हैं, दो पैर होता, दो लेग होता है, एक होता है स्थिर और एक होता है जिसे हम लोग मूवमेंट करते हैं यानी घुमाते हैं। तो जो सेंटर से जब एक बार ऐसे चाप लेते हैं ए से ले गए बी तक, यानी ए से बी तक जो लंबाई हुआ उसी को कहेंगे क्या, इसको कहेंगे लघु चाप, ठीक है, इसको कहेंगे लघु चाप। और ए से ले के बी तक, यानी कि इस तरीका से ए ए पी बी, यहाँ से लेके पूरा ये क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये हो गया दीर्घ चाप, ये हो गया दीर्घ चाप, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने समझा लघु चाप किसे कहेंगे और दीर्घ चाप किसे कहेंगे, यानी ए से लेके बी तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया लघु चाप, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी अपेक्षा ए पी बी की अपेक्षा क्या हो गया, ये छोटा हो गया, इसीलिए इसको लघु चाप रखा। और ए पी बी यानी कि पूरा हो गया, इसे क्या कहा, दीर्घ चाप कहा। फ्रेंड्स लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यानी कि ए से बी तक गया उसको कहेंगे लघु चाप और ए पी बी हो गया दीर्घ चाप। अब फ्रेंड्स इसमें हमको ध्यान देना है कि लघु चाप और दीर्घ चाप अगर क्वेश्चन में आए तो इसका फार्मूला क्या होगा और इसको कैसे हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखिए यहाँ सेंटर क्या है, यहाँ है ओ सेंटर है और यहाँ जो एंगल बना हुआ है थीटा एंगल बना हुआ है, ठीक है। यानी ए से बी तक जो होगा लघु चाप, इसको पहले हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मानते हैं कि 301 बिंदु पर, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, एक बिंदु पर कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण, ठीक है। यानी कि एक राउंड मारेगा, एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री का कोण में मारेगा, ठीक है। जब एक राउंड मारेगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। हमें पता है कि एक राउंड मारने का मतलब हो गया परिधि, ठीक है, एक राउंड मारने का मतलब हो गया परिधि। अब परिधि का फार्मूला हमें पता है फ्रेंड्स क्या होता है, 2πr, ठीक है। यानी 360 डिग्री में 2πr दूरी क्या करता है, तय करता है। इसको इसका फार्मूला निकाल, लघु चाप का फार्मूला अभी हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं देखिए फ्रेंड्स। यानी कि 360 डिग्री में 2πr दूरी तय करता है, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स चूँकि 360 डिग्री में 2πr दूरी तय करता है, इसीलिए फ्रेंड्स देखेंगे एक डिग्री में तो क्या जाएगा, 2πr बटा 360, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए थीटा, तो थीटा जो डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स, यानी कि ए से बी तक, यानी कि ए से बी तक ये पूरा एरिया को आपको दर्शा रहा है, यानी कि इसके थीटा के अंदर जो भी एरिया है उसके दर्शा रहा है। और इसके थ्रू क्या है, यहाँ से ए से लेके बी तक ये दूरी भी डिनोट हो रहा है, ठीक है। यानी कि ए थीटा कहा कहने का मतलब है ए से बी तक के दूरी को भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।
यानी कि ए से लेके बी बी तक के दूरी, यानी कि अब कहने का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि इसीलिए थीटा एंगल में कितना दूरी कर तय करेगा, यानी थीटा के लिए ए से बी तक कितना दूरी करे तय करेगा, तो हो गया 2 पाई आर वटा 360 गुना क्या हो गया थीटा। ठीक है, इस तरीका से फ्रेंड्स हमें पता हो गया क्या लघु चाप की लंबाई। तो फ्रेंड्स यहाँ लिख लेंगे, पहला फार्मूला हमें पता हो गया क्या, लघु चाप की लंबाई बराबर फार्मूला हो गया थीटा वटा 360 टू पाई आर। ठीक है, थीटा वटा 360, ठीक है, 2 पाई आर, ये फ्रेंड्स मेरा लघु चाप की लंबाई हो गया। इसी का उपयोग करके हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 को हम लोग उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब सीखेंगे हम लोग दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई फ्रेंड्स देखिए, यानी कि इतना इस ये थीटा के लिए यानी कि ए से बी तक की दूरी डिनोट किया, तो बाकी जो है यानी कि ए पूरा वाला हिस्सा है, यानी कि अब हम बात की अभी बात ये कि अगर एक बिंदु पर 360 डिग्री बन रहा है तो जिस 360 में से यानी इतना इस हिस्से के लिए थीटा है, तो बाकी हिस्से के लिए क्या लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। तो इसको फ्रेंड्स इसको लिखिएगा क्या, दीर्घ चाप की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा बटा 360 आई क्या होगा 2 पाई आर। यानी फ्रेंड्स दीर्घ चाप की लंबाई अगर सिर्फ हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा, यानी कि अगर ई एंगल दिया रहे तो क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे और उसके बाद 2 पाई आर। और आर क्या है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ओ ए और ओ बी क्या है, 2 त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या के यहाँ लंबाई लिख देना। इस तरीका से फ्रेंड्स हमने सीखा लघु चाप की लंबाई निकालना और दीर्घ चाप की लंबाई निकालना। अब फ्रेंड्स आते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं जो समझेंगे पहले फ्रेंड्स, तब क्या करते हैं इसको हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हम लोग समझेंगे, पहला चाप की लंबाई हमने सीख लिया, अब समझेंगे त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड में भी दो तरह का आता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। तो पहले फ्रेंड्स समझते हैं इसको डायग्राम से, पहले समझ लेते हैं कि त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स समझेंगे खंड। खंड क्या है, खंड के मतलब हो गया किसी भी पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा, वो कहलाता है खंड। जैसे वर्ग हो या वृत्त हो या आयत हो, और किसी भी आकृति का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा, खंड कहलाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग समझेंगे त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड के मतलब अगर एक केंद्र ए वृत्त है उसका केंद्र है ओ, और ओ से लेके ए तक ए त्रिज्या है, ओ से बी है ए भी त्रिज्या है। ठीक है, अब फ्रेंड्स समझिए त्रिज्या खंड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं त्रिज्या के द्वारा यानी कि दो त्रिज्या, पहला ओ ए और दूसरा ओ बी, पहला ओ ए और दूसरा ओ बी, और ए से ले के बी तक हो गया चाप, यानी कि दो त्रिज्या के द्वारा और एक चाप के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। दो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी त्रिज्या खंड पूरा हिस्सा हो गया, ये भी पूरा भाग हो गया त्रिज्या खंड हो गया, और ए वाला भी भाग भी क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, क्योंकि ये भी भाग देख रहे हैं ए ओ ए और ओ बी, यानी कि यहाँ से ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पी दे दिया तो ए पी बी, ये भी क्या है एक चाप है, और ओ ए और ओ बी क्या है, दो त्रिज्या है, यानी कि दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा जो लंबाई जो उसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड आते हैं। इसका अगर हम लोग डिफिनीशन समझेंगे तो फ्रेंड्स कहेंगे कि दो त्रिज्या और चाप के लंबाई से बना क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। त्रिज्या खंड फ्रेंड्स लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड को समझेंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि अगर त्रिज्या के द्वारा त्रिज्या के द्वारा एक छोटे सा हिस्सा का, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं तारबूज वगैरह में एक छोटा सा फाक निकाल लेते हैं काट कर, यानी पूरा बड़ा पार्ट में से एक निकाल लेते हैं इस तरह से काट के, यानी कि ऐसा निकाल लेते हैं,
ये देख रहे हैं ये भाग, यानी कि इसको अगर नाम दे दिया हमने एंगल का थीटा, यानी पूरा एंगल देख रहे हैं, ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, यानी पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये सब क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट पूरा, ये कहलाएगा आपका लघु त्रिज्या खंड। अब बाकी पार्ट फ्रेंड्स, यानी कि देख रहे हैं ये वाला बड़ा वाला, यानी बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए इसको नाम दिया क्या हमने, दीर्घ त्रिज्या खंड। इसका नाम है दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। और ए वाला भाग देख रहे हैं, इसको हो गया लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। यानी कि ये हो गया छोटा वाला हिस्सा, इसीलिए लघु, लघु मतलब होता है छोटा, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ जो एंगल है मेरा है वो है थीटा डिग्री, ठीक है। यानी इस क्षेत्र के लिए हमने माना थीटा डिग्री एंगल है। तो फ्रेंड्स अब हमने निकालना हमें लघु त्रिज्या खंड का और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जो 12.2 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तो हम लोग लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जो अब सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब अभी हम बात चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी एक सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का। और जब फ्रेंड्स हमें पता है कि जब एक बार पूरा गोलाई का बात करें, यानी कि देख रहे हैं ये वृत्त है, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर क्षेत्र को सूचित करता है, यानी कि लिखेंगे चूंकि 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर क्षेत्र आता है या सूचित करता है, जो भी लिख सकते हैं आता है, तो या आता है तो एक डिग्री में, यानी एक डिग्री के बाद किया जाए तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर वटा 360। अब फ्रेंड्स देखिए थीटा के लिए, यानी कि थीटा कोण रहेगा तो कितना उसके अंदर क्षेत्र आएगा, यानी कि लिखेंगे इसीलिए थीटा डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360 अगुने क्या हो गया, थीटा। यानी हमें फ्रेंड्स पता हो गया कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फ्रेंड्स लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा वटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीका से फ्रेंड्स हम लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरीका से फ्रेंड्स हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालेंगे, यानी कहने के मतलब ए पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, यानी कि इसका अगर देखा जाए निकाल के बाहर तो इस तरीका आकृति होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया लघु त्रिज्या खंड का, तो इसका फॉर्मूला ए उपयोग करेंगे। अब देखिए बड़ा वाला फ्रेंड्स, यानी कि ए वाला देख रहे हैं, तो हमें पता है कि एक सेंटर पर, यानी कि यहाँ पर पूरा गोलाई के बाद क्या 360 डिग्री बनेगा, जिसमें 360 में से थीटा तो बन गया, तो बाकी कितना बचा, तो बाकी बचेगा फ्रेंड्स कितना, 360 माइनस थीटा, यानी कि बाकी बचेगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड की जगह पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ये लिख देंगे 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीका से लिख सकते हैं फ्रेंड्स दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और सोचना होगा आपको कि एक और कोई तरीका हो सकता है क्या इसको निकालने के लिए दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और है आप लगा सकते हैं कि पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो उसमें से क्या करेंगे, इस पार्ट को अगर हम लोग हटा देंगे, यानी कि अगर हम बात करें कि एक वृत्त है, ठीक है, और उसमें से ए वाला पार्ट को पूरा का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे और इस पार्ट को क्या करेंगे, इसमें से पूरा में से घटा देंगे, यानी ये पार्ट निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ए सिर्फ बचेगा ए, यानी उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप दीर्घ त्रिज्या खंड का निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके जगह पर और के, यानी और मैंने या एक तरीका का और लिख सकते हैं, ये फर्स्ट में उठा रखा है, यही हो गया मेरा सेकेंड, तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे क्या लघु त्रिज्या खंड को, तो लिख देंगे थीटा बटा 360, ठीक है,
और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से भी फ्रेंड्स हम लोग दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखा फ्रेंड्स। अब देखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड मैंने पढ़ लिया, अब देखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखते हैं फ्रेंड्स कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड देखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालते हैं। चतुर्थांश के मतलब समझिए फ्रेंड्स, जैसे हम देखो एक डायग्राम बनाया मैंने, और चतुर्थांश के मतलब हो गया एक पूरे जो गोल हिस्सा उसका चौथा भाग। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक रोटी है और उसको चार टुकड़ा में आप डिवाइड कर दीजिए, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक चौथाई यानी 1/4 भाग, वही क्या कहलाएगा, चतुर्थांश, ठीक है। यानी इसको 1, 2, 3, 4, यानी कि एक रोटी था इसको चार टुकड़ा में मैंने विभाजित कर दिया, यानी प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/4 भाग। यानी कि ये भी भाग है क्या कहलाएगा, 1/4, ये भी भाग क्या कहलाएगा, 1/4, और ये भी भाग क्या कहलाएगा, 1/4, और ये भी भाग क्या कहलाएगा, 1/4। यानी प्रत्येक भाग क्या हो गया, एक चतुर्थांश हो गया, ठीक है। यानी कि निकालना हमें फ्रेंड्स यही चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे कैसे निकालते हैं, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले समझेंगे कि इसमें चार भाग में बांट रहा है, पूरा एक सर्कल है इसमें चार भाग में बांट रहा है, यानी कि अगर सेंटर पर जो कोण बनना होगा 360 डिग्री, ठीक है। और इसको चार भाग में बांटिएगा, तो चार भाग में बांटिएगा तो काट दीजिए तो कितना बना, 90 डिग्री। यानी कि प्रत्येक भाग का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 90 डिग्री होगा, सभी का 90 90 होगा, ठीक है, सभी का 90 90 डिग्री होगा। यानी कि थीटा हमें प्राप्त हो गया फ्रेंड्स कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये वाला, ये सभी देख रहे हैं, ये सभी क्या है, सभी त्रिज्या है, यानी आर है, आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़े थे त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड में हम लोग समझे थे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरा कितना था फ्रेंड्स, 90 बटा कितना हो गया, 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पर वैल्यू लगे तो काट देंगे तो 9 4 36 यानी 4 आ गया। यानी कि कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, एक 1/4 पाई आर स्क्वायर। या कोई विद्यार्थी ये भी करेंगे कि इससे भी आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो इससे भी लिखेंगे तो बात बराबर ही पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि थीटा का कोण जो लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि चतुर्थांश होता है 1/4 भाग, यानी एक पूरा का 1/4, यानी थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, काट के क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल समझा। अब हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स वृत्तखंड, वृत्तखंड किसे कहते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड देखते हैं वृत्तखंड के बारे में सीखते हैं, और 12.2 में इसका उपयोग क्या क्या होता है, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसको समझते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ें उसी प्रकार से हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ें। त्रिज्याखंड में हम लोग पढ़े थे कि वृत्त में दो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया और चाप के द्वारा बनाया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। उसी तरीका से हम लोग वृत्तखंड को समझेंगे। तो वृत्तखंड है क्या जो समझेंगे, मैंने एक सर्किल बनाया फ्रेंड्स, यहाँ सेंटर ओ दिया, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ से एक ए बी मैंने एक जीवा खींचा, ये देख रहे हैं ए बी क्या है, जीवा है, और ए से लेके बी तक इसका नाम दे दीजिएगा पी, ए पी बी क्या है, चाप की लंबाई है। यानी कि जीवा के द्वारा और चाप की लंबाई के द्वारा बना क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग, वृत्तखंड कहेंगे। यानी कि ए वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, और ए ऊपर वाला भी क्षेत्र भी क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। यानी कि ए भी क्या है, जीवा है, और ए से लेके अगर इसका नाम दे दिया क्यू, यानी कि ए क्यू बी कहेंगे, ये भी क्या है, चाप की लंबाई है। यानी कि इसके अपेक्षा यहाँ से ए पी बी की अपेक्षा ए क्यू बी चाप की लंबाई बड़ा है, यानी कि इससे बना हुआ क्षेत्र ये कहलाएगा फ्रेंड्स, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला फ्रेंड्स, ये कहलाएगा लघु
वृत्तखंड, ठीक है, ये कहलाएगा लघु दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला कहलाएगा लघु वृत्तखंड, ठीक है। इस प्रकार से हमने समझा फ्रेंड, दीर्घ वृत्तखंड कैसे कहते हैं, लघु वृत्तखंड कैसे कहते हैं। अब फ्रेंड देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि लघु वृत्तखंड निकालिए और दीर्घ वृत्तखंड निकालिए, तो पहले इसका फॉर्मूला पहले समझेंगे। तो इस पार्ट को यानी कि इतना को हमको निकालने के लिए फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ए पर एक क्या करें त्रिज्या बनाया, यहाँ से त्रिज्या इसको सेंटर जब हमने नाम दिया था, ये वो दिया था नाम, यानी कि ओ ए और ओ बी क्या है वृत्त के त्रिज्या है। अब फ्रेंड देखिए इस प्रकार से अगर अलग हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से क्षेत्र मेरा बना हुआ है, इस प्रकार से क्षेत्र बना हुआ है, यानी देखिए ई ओ है, ई ए है और ये है बी। अब इसको इस प्रकार से मिलाएं फ्रेंड्स, तो देखिए एक पहले तो ओ ए और इसका अगर नाम दे दिया पी, ओ ए पी बी ओ, एक क्या हो गया एक त्रिज्या खंड हो गया। त्रिज्या खंड मैंने बताया था कि इस प्रकार से ए वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा त्रिज्या खंड कहलाएगा, तो वही इस पार्ट को क्या किया हमने काट के यहाँ रख दिया। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, हमें निकालना है ए वाला क्षेत्र निकालना है, यानी फ्रेंड्स हम यहाँ समझेंगे कि अगर त्रिज्या खंड में से हम ए वाला पार्ट यानी कि ये त्रिभुज का पार्ट क्या करेंगे हटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे ये देखिए, तो पहले लिखते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स हमने सीखा था लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये देख रहे हैं त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड इसका क्षेत्रफल हमने निकाला था थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए ये पूरा देख रहे हैं एरिया, ये हो गया मेरा त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, इसमें से ये वाला पार्ट यानी कि ये ट्रायंगल वाला पार्ट हटा दिया जाए, इसको ऐसे हम मिटा देते हैं तो बचा क्या हमें सिर्फ बचा का वृत्तखंड बचा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स है कि त्रिज्या खंड में से हम लोग क्या करेंगे यानी कि ट्रायंगल वाला पार्ट यानी त्रिभुज वाला पार्ट क्या करेंगे हम लोग मिटा देंगे, ये हटा देंगे, हटाएंगे कैसे इसको में से क्या करेंगे ये क्षेत्रफलवा को यानी कि इसका क्षेत्रफल त्रिज्या का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया फ्रेंड्स थीटा वटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी जो यहाँ देख रहे हैं एंगल जो देख रहे हैं ये मेरा थीटा है, यही थीटा दिया रहेगा, यहाँ थीटा का मान रख देना है और आर स्क्वायर है जो ये त्रिज्या देख रहे हैं वो या वो भी त्रिज्या है, यानी आर का वैल्यू आपको दिया रहेगा यहाँ रख लेना है, उसके बाद हम निकाल के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स देखिए पहले लघु वृत्तखंड का यानी कुछ इस प्रकार से अगर अलग हम फिगर बनाएं तो देख रहे हैं ये पार्ट है मेरा लघु वृत्तखंड, ये है लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए लघु वृत्तखंड को क्या करेंगे पूरे वाला देख रहे हैं पूरे हिस्सा यानी एक वृत्त है उसका एक छोटा सा पार्ट यानी लघु वृत्तखंड है। अब इसको पूरे सर्किल का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल ऐसे हटा दिया जाए तो पूरा जो बाकी हिस्सा बचेगा वो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, ये क्या बचेगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो फ्रेंड्स इसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग आसानी से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये पूरे सर्किल का क्षेत्रफल, ये पूरे सर्किल का क्षेत्रफल है और उसमें से ये वृत्तखंड देख रहे हैं
या स्मॉल वाला वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड ये देख रहे हैं, इसमें से पूरा वाला सर्किल का क्षेत्रफल में से ये वाला पार्ट क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी घटाने का मतलब इसको हटा दीजिए तो सिर्फ बचा वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 को जो भी सॉल्यूशन करने में हमें फॉर्मूला उपयोग होगा उसके बारे में हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से सीख लिया। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 12.2 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।